क्या बोलना चाह रहे हैं आरके चौधरी के बारे में? अरे आरके चौधरी जी हमारे मतलब बिछड़ गए थे, फिर से ज्वाइन हो गए हैं बीजेपी में। 10-15 दिन पहले हमसे वो मिले थे, उनकी गाड़ी पंचर हो गई थी। हम बोले थे उनको जो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, बीजेपी जैसा नियत और नीति साफ किसी और दूसरे पार्टी में नहीं है और इसी को पकड़ के रखिए। लेकिन बहुत खुशी की बात है जो आरके चौधरी हमारे बीजेपी में ज्वाइन कर लिए हैं। हाँ कर लिए। ना मतलब नाराज हैं आप लोग उससे कि खुश हैं? खुश हैं ना, बहुत खुशी खुश हैं। जितना भी आदमी हम हमारे पार्टी में जुड़ेंगे उतनी खुशी की बात है। अच्छा ये बताइए कि ऐसा तो नहीं है कि मतलब जो आपके वर्तमान विधायक है उनका टिकट यही लोग काट दें, ऐसा? अरे नहीं नहीं, टिकट काटना जोड़ना ये सब कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। हमारे जित पार्टी में जितने आदमी को आना है हाँ। वो आ सकते हैं, पार्टी निर्णय करेगा हाँ। जो हम किनको टिकट देना है तो फिर और नहीं दें, टिकट का कोई झंझट नहीं है। तो अंतर्कलह क्यों होता रहता है? नहीं नहीं कोई अंतर्कलह सर नहीं है, कोई अंतर्कलह नहीं है। एक जगह पति पत्नी में भी थोड़ा बहुत नोक झोंक तो हो जाता है, तो इसलिए और कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हमारे माननीय सांसद जी गोपाल जी ठाकुर के बारे में कुछ गलत सही रूमर उड़ा या कुछ जनता जनार्दन लोग तो कुछ आक्रोश व्यक्त किए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो विपक्ष का सब सेटिंग किया हुआ है। हाल में ही हमारे विधायक जी के बारे में आरके चौधरी जी कुछ स्टेटमेंट दिए थे, लेकिन सत्य जो है वो सत्य है, असत्य जो है सो वो असत्य है। वो असत्य ही हुआ ना जो आज आरके चौधरी जी हमारे विधायक जी के अगेंस्ट में कुछ बोले, जो अरे उनका लड़का ये कर दिया वो कर दिया, आज देखिए बीजेपी में आ गए पार्टी में। मतलब सत्य का ही हर समय जीत होता है, वही जीत हुआ। क्या नाम है आपका? राजीव कुमार सिंह, बहेरी दक्षिणी मंडल अध्यक्ष।